अगर आपको फोटोग्राफी का शौक है और आपका बजट लिमिटेड है तो आप इस प्रकार के एंट्री लेवल DSLR कैमरा के लिए जा सकते हैं। यह है कैनन EOS 1500D, कीमत है 38,990 रुपीज और इसके साथ में आपको दो लेंसेज मिलते हैं। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोगी और ये है कैनन EOS 1500D, एक एंट्री लेवल DSLR कैमरा। ये है इसकी बॉक्स पैकिंग। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं और आपको मैं बता देता हूं कि इस बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या मिलता है। ये एक तरह से पूरा किट है जिसमें आपको कैमरा की बॉडी भी मिलती है और साथ में दो लेंसेज भी मिलते हैं, और इसके अलावा आपको 16GB मतलब कि 16GB का कार्ड भी मिलता है। बॉक्स के ऊपर ये मेंशन किया हुआ है। आपको दो लेंसेज मिलते हैं, 18-55 और 55-250, और इस प्रोडक्ट के ऊपर आपको 2 साल की वारंटी भी मिलती है। 1 साल की तो बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाती है, और अगर आप ऑनलाइन रजिस्टर करेंगे तो आपको 1 साल की एक्स्ट्रा वारंटी मिल जाती है, तो टोटल 2 साल की वारंटी मिल जाती है। बॉक्स के अंदर देख सकते हैं आपको ये यूज़र मैनुअल मिलता है, EOS 1500D का यूज़र मैनुअल। आपको ये कैनन का स्ट्रैप मिलता है, कैमरा स्ट्रैप, अगर आप चाहें तो इसका उपयोग कर सकते हैं। और ये है बैटरी चार्जर जिसका उपयोग करके इस कैमरे में जो रिमूवेबल बैटरी है उसे आप चार्ज कर पाएंगे। रिचार्जेबल बैटरी के साथ में आता है। आपको ये पावर कॉर्ड भी मिलता है जो आपको चार्जर के साथ में अटैच करना है। इसके अलावा आपको ये कैमरा मिलता है, ये देखिए, ये है कैनन EOS 1500D कैमरे का बॉडी, और ये लेंस है जो बॉक्स के अंदर इंक्लूडेड है। अब ये जो लेंस है ये 18-55 का लेंस है, ये देखिए, और इसके अलावा आपको एक और लेंस मिलता है। अब ये जो लेंस है ये अलग तरीके से पैक किया गया है, ये देखिए, ये जो लेंस है ये 55-250 है, एक तरह से जूम लेंस है। तो बस ये सारी चीज़ें हैं जो आपको इस बॉक्स पैक के अंदर मिलेगी। तो ये है कैनन 1500D DSLR कैमरा की बॉडी। काफ़ी कॉम्पैक्ट है और काफ़ी लाइट वेट भी है। यहाँ पर ऊपर डायल दिया गया है जिससे आप जो मोड है उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने कभी कैनन कैमरास का उपयोग किया होगा तो आपको काफ़ी कंट्रोल्स के बारे में पता होगा। तो बहुत सारे कंट्रोल्स हैं यहाँ पर, और ये जो कैमरा है इसके साथ में आपको स्क्रीन भी मिलता है। नीचे ट्राइपॉड का ऑप्शन दिया हुआ है, और यहाँ पर ये जो भाग आप देख रहे हैं ये है बैटरी कंपार्टमेंट। इस प्रकार से आप बैटरी को इजेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर इसमें आपको ये रिमूवेबल बैटरी मिलती है, तो जब कभी बैटरी ड्रेन हो जाएगी आप इसे निकाल के जो चार्जर दिया हुआ है उसमें अटैच करके बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। और जो स्टोरेज कार्ड का जो स्लॉट है वो यहाँ पर ही बैटरी कंपार्टमेंट में ही दिया हुआ है। तो कैमरा में आईपीस भी है और 2 इंच का स्क्रीन भी है, उसका आप उपयोग कर सकते हैं। अब मैं लेंसेज के बारे में बता देता हूँ। ये आपको एक लेंस मिलता है 18-55, और इसमें ऑटो फोकस का ऑप्शन भी है और स्टेबलाइजेशन का भी ऑप्शन है। और ये दूसरा लेंस है, ये है 55-250, इसमें भी ऑटो फोकस और मैनुअल फोकस का ऑप्शन है, और इसमें भी स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन दिया हुआ है। ये देखिए, एक तरह से ये जूम लेंस है। जैसा कि मैंने कहा, शूट करने के लिए आप आईपीस का भी उपयोग कर सकते हैं या फिर ये जो स्क्रीन है इसका भी उपयोग कर सकते हैं। ये जो स्क्रीन है ये टच स्क्रीन नहीं है, नॉर्मल स्क्रीन है। आपको बटन्स का उपयोग करना पड़ेगा नेविगेशन के लिए। ये जो स्क्रीन है इसका साइज 2 इंचेस का है, क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, लेकिन ये जो स्क्रीन है ये फिक्स है, आप इसे मूव नहीं कर सकते। चलिए मैं ये जो लेंस है इसे अटैच कर देता हूँ। इस प्रकार से आप ये जो लेंस है इसे आप अटैच कर सकते हैं। अभी जो लेंस है इसके ऊपर एक वाइट मार्किंग है, वाइट मार्किंग को आपको मैच करना है, और इस प्रकार से आप जो लेंस है उसे माउंट कर सकते हैं कैमरा के ऊपर। ये लीजिए, ये कैमरा 24.1 मेगापिक्सल के स्टिल फोटोज़ खींच सकता है और 1080p वीडियोज़ एट 25 FPS पर रिकॉर्डिंग कर सकता है, वीडियो रिकॉर्डिंग। इसमें CMOS सेंसर है और कैनन EF माउंट सिस्टम के साथ में आता है। ये रॉ फोटोज़ भी सपोर्ट करता है, और ओवरऑल कैमरा का जो वेट है काफ़ी हल्का है, बड़ी आसानी से आप इसे कहीं भी ले जा सकते हैं और आसानी से इसे ऑपरेट भी कर सकते हैं। तो एंट्री लेवल के लिए ये कैमरा काफ़ी बढ़िया है, और डिटैचेबल लेंसेज के साथ में आता है। वैसे आपको 2 लेंसेज मिलते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो और भी लेंसेज खरीद सकते हैं। अलग अलग टाइप्स के लेंसेज अवेलेबल हैं आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इस कैमरा में DIGIC 4+ इमेज प्रोसेसर का उपयोग किया गया है, और इसमें बिल्ट इन वाईफाई भी है और NFC भी है, और ये 9-point ऑटो फोकस सपोर्ट करता है। उसमें एक सेंटर क्रॉस टाइप ऑटो फोकस पॉइंट भी है। वैसे अगर आप लाइव व्यू मोड का उपयोग करेंगे, मतलब कि स्क्रीन का उपयोग करेंगे फोकसिंग के लिए, तो वो इतना फास्ट नहीं होगा, लेकिन अगर आप आईपीस का उपयोग करेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी और फास्ट फोकस लॉक मिल जाएगा।
क्योंकि ये एंट्री लेवल DSLR कैमरा है, इसका फोकसिंग इतना फास्ट नहीं होगा लेकिन काफ़ी अच्छा है। लेकिन अगर आपको बहुत ही ज़्यादा फास्ट फोकसिंग वाला कैमरा चाहिए तो उसके लिए आपको और भी पैसा खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि जो हाई एंड कैमराज होते हैं, महंगे वाले कैमराज, उनमें जो खासियत होती है वो यही होती है कि वो बहुत ही जल्दी फोकसिंग कर लेते हैं। चलिए अब मैं आपको कुछ सैम्पल्स दिखा देता हूँ जो मैंने इसी कैमरे से खींचा हुआ है, कैनन EOS 1500D। ये देखिए कुछ शॉट्स हैं, क्लोजअप शॉट्स हैं जो मैंने इसी कैमरे से खींचा हुआ है। ये काफ़ी बढ़िया शॉट्स खींच लेता है और आपको बहुत ज़्यादा मैनुअल कंट्रोल्स भी मिल जाते हैं। ये देखिए कलर रिप्रोडक्शन भी काफ़ी बढ़िया है। आपको इस कैमरे के साथ में दो लेंसेज भी मिलते हैं और आप इन लेंसेज का उपयोग भी कर सकते हैं। ये देखिए कुछ और शॉट्स हैं, ये मैंने 55-250 लेंस से खींचा हुआ है, जूम आउट किया हुआ है और अब मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ, ये देखिए, और इसके बाद में मैं फुल जूम इन करता हूँ। फुल जूम इन पे आपको इस प्रकार का शॉट मिल जाएगा। ये मैंने काफ़ी दूर से खींचा हुआ है। ये कैमरा 1080p वीडियोस रिकॉर्ड कर सकता है 25 FPS पर। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये मैंने 55-250 लेंस से खींचा हुआ है। इससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया होगा कि ये जो लेंस है कितना जूम इन कर सकता है। ये देखिए वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए भी ये कैमरा काफ़ी अच्छा है, लेकिन जब तक आपका जो सब्जेक्ट है वो स्टिल है, मतलब कि अगर आप जूम इन या जूम आउट करते हैं तो जो फोकसिंग है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, इतना फास्ट फोकसिंग नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जब आपका जो सब्जेक्ट है वो मूव हो रहा है तो वैसे स्टाइल में रिकॉर्डिंग करना भी इतना आसान नहीं होगा इस कैमरा के साथ में। और अगर आपको ऐसे टाइप की वीडियोज़ रिकॉर्ड करना है जहाँ पर सब्जेक्ट भी मूव हो रहा है और आप भी मूव हो रहे हैं, तो उसके लिए आपको एक बेहतर क्वालिटी का कैमरा का उपयोग करना पड़ेगा, और भी एडवांस किस्म का कैमरा का उपयोग करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको और भी पैसे खर्चे करने पड़ेंगे। फिलहाल एंट्री लेवल के लिए ये कैमरा काफ़ी बढ़िया है। इसकी कीमत है 38,990 रुपीज़ और इसके साथ में आपको दो लेंसेज मिलते हैं जो कि काफ़ी है, जहाँ से आप इस कैमरा को खरीद सकते हैं। उसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो ये कैमरा आपको कैसा लगा इसके बारे में मुझे ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसे भी एनेबल कर दीजिए, और देखते रहिए।